अधिष्ठाता छात्र कल्याण दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा समर्पित 3,000 करोड़ रुपए धनराशि की परियोजनाओं का रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया, जिसका सजीव प्रसारण विश्वविद्यालय के मजीठिया भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, जिसको विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने देख कर योजना का सराहा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के समन्वयक में प्रोफेसर राजवंत राव ने कहा कि विश्वविद्यालय को इस अभियान के तहत टॉयलेट न्यू क्रिएशन निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये, विशेष तौर पर महिलाओं के टॉयलेट बनवाने के लिए ये राशि उपलब्ध हुआ है। इसके साथ साथ प्रयोगशालाओं और अन्य भवनों के दुरुस्त करने के लिए राशि मिली है। इस अवसर पर प्रोफेसर रविशंकर सिंह, कुल सचिव सुरेंद्र चंद्र शर्मा, डॉक्टर केशव सिंह, डॉक्टर विजय चहल, प्रोफेसर हिमांशु पांडे सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के समन्वयक प्रोफेसर राजवंत राव ने कहा, बहुत सारा काम भी हुआ है, जंत विज्ञान की प्रयोगशाला जल्दी विभिन्न डिसिप्लिन के लोगों द्वारा अपने डिसिप्लिन का सॉफ्टवेयर खरीद किया जाएगा, जिसके तहत रूसा के तहत यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 2 महत्वपूर्ण कदम बहुत तेजी से, एक तो हमारे समझता हूँ कि मार्च तक सभी टॉयलेट रूसा के तहत अभियान के तहत बन जाए। आपको यह जानकर खुशी होगी कि शायद ही कोई साइंस का ऐसा विभाग बचा होगा जिसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रयोगशाला न मिली और प्रयोगशालाएं आपको नहीं मिला है, बाकी सभी में इसीलिए गणित को मैंने गिनाया है, केमिस्ट्री और फिजिक्स गृह विज्ञान इन्हें प्रयोगशालाएं इनके पास हैं और सेकेंड फेज में मुझे ध्यान है, हाँ ये कंप्यूटर साइंस को भी एक प्रयोगशाला इस बार मिल गया है, हमें ध्यान है गणित को और शिक्षा शास्त्र को मैडम आपने ध्यान दिला दिया, साइकोलॉजी को भी एक प्रयोगशाला नहीं मिला है, तो प्रयोगशालाओं में 3 विभाग बचे हैं। एकेडमिक बिल्डिंग्स में लिया गया है एंशियंट हिस्ट्री, गृह विज्ञान, सोशियोलॉजी और पंतला, रेनोवेट करने के लिए रेनोवेशन के अंतर्गत इन विभागों को लिया गया है। रेनोवेशन के अंतर्गत प्रशासनिक भवन को भी लिया गया है और वहाँ भी छात्राएं जाती हैं और लेडी टीचर्स जाती हैं, कोई भी महिला प्रशासन नहीं है, वहाँ भी महिला प्रशासन दिया जा रहा है। तो ये केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और ये छात्र छात्राओं को अपने शिक्षण संस्थाओं के प्रति गौरव की अनुभूति, क्लासरूम में या पुस्तकालय में प्रयोगशालाओं में काम करते हुए आसानी, इसके लिए यह अभियान चल रहा है और इस अभियान के बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम दिखाई दे रहा है और आगे हम समझते हैं मार्च तक आपको इन्हीं शब्दों के साथ हम समझते हैं, अब समय भी हो रहा है, मैं अधिष्ठाता छात्र कल्याण रविशंकर सिंह स्थान मिला शांति से अरण्य प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन को सुने, उत्प्रेरक का उद्बोधन होता है और हमको आपको कथन और विपरीत परिस्थितियों में भी अगर हम अपना उम्दा प्रदर्शन दे सकते हैं तो संतुलन होने की स्थिति में हम ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत जो विभिन्न महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में 3,000 करोड़ के आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ है, प्रधानमंत्री जी उसका
लोकार्पण कर रहे हैं और उसी का जीवंत प्रसारण है। हमारे विश्वविद्यालय में भी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत पैसा मिला है, जिसमें 2 करोड़ रुपया केवल टॉयलेट के लिए मिला है और उसके लिए टॉयलेट न्यू क्रिएशन के तहत निर्माण हो रहा है। टॉयलेट्स पर बहुत ही जेंडर सेंसिटिविटी के कारण महिलाओं के, विशेषकर महिला प्रसाधन के लिए विशेष तौर पर जोर दिया जा रहा है। महिला टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, जो पहले से टॉयलेट्स हैं उनको रिनोवेट किया जा रहा है। क्लासरूम्स, एकेडमिक बिल्डिंग्स, इनको भी रिनोवेट किया जा रहा है। ख़ासतौर से जो प्रयोगशालाओं का निर्माण भी हुआ है हमारे यहाँ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, होम साइंस विभाग में नए प्रयोगशालाओं का निर्माण हुआ है। कंप्यूटर साइंस में भी होने जा रहा है नए प्रयोगशालाओं का निर्माण। तो आधारभूत उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो धन महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों को दिया जाता है उसके तहत निर्माण होता है, उसी का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है।